Welcome to Time News Studios. You are watching 8 p.m. Bulletin. फ्रांस में गुस्ताखाना खाका शाया करने खिलाफ सेनेट में मजम्मती ठहरा इतफाक राय से मंजूर। फ्रांस में हुकूमती सरपरस्ती हेठ गुस्ताख खाकन की छपाई और इस्लामोफोबिया के वधंदड़ रुझान की शदीद मसम्मत कई वही। ठहराव में है तो हुकूमती सरपरस्ती में अड़ा कदम मजहबन में विछोटियों पैदा कंदा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसलम लाए असानी मोहब्बत असान ईमान जो हिस्सों है, को भी मुसलमान संदस शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न कंदो। आलमी बिरादरी अड़ा कदम रोकने लाए पैं किरदार अदा करे। कौमी असेंबली में मजम्मती ठहराव भी इतफाक राय से मंजूर। डिप्टी स्पीकर पारा फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर के वापस घुराने जो मुतालबो। पाकिस्तान गुस्ताख खाकन ने फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराए छो। फ्रांसीसी सफीर के परडेही ऑफिस तलब कर एहतजाजी खत संदस हवाले किया वो। अगोणे डी जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका पाकिस्तान स्टील मिल्स की 506 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर अलाट कई हुई, जैमां 100 अरब रुपये की 300 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत के वापस दियारी वही है। नैब चेयरमैन जो मेगा करप्शन के केसिस में अग भराई के बयान। रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल चयो तो नैब जाली बैंक अकाउंट्स में 23 अरब रुपया और सिंध शुगर स्कैंडल में 10 अरब रुपया जवाबदारन का वसूल कर कौमी खजाने में जमा कराए छाया। नैब चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह से मुलाकात करे रोशन सिंध प्रोग्राम। खंड स्कैंडल और कुत्तन के चक का बचाव वाली वैक्सीन के प्रोग्राम में प्ली बागिन जरिए मिलियल रकम जा चेक संदस हवाले कर छाया। नैब के पधराई मूजिब हैदराबाद सखर और लाड़कानो रीजन में रोशन सिंध प्रोग्राम अंदर गोवियों हुई हुं। ठेकेदारन प्ली बागिन जरिए 22 करोड़ 40 लख रुपया वापस कया। सिंध में एक भेरों बीहर फसल के माकड़ के हमलों को खदशो जाहिर। ज़रात खाते नव अलर्ट जारी कर छो। ज़रात वे वजीर इस्माइल राहू है सिंध और बलोचिस्तान के सामुंडी इलाक़ में माकड़ बीहर हमला कर सके थी। हमला थिया तो असू टीमू सरगर्म असा पे भी हमलों से जब्तों आंदो हो। वफाक के घुर्जे तो फसल बचाने लाय कदम खड़े। कराची की एहतसाब अदालत मलीर की सरकारी जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट वे केस में 7 जवाबदारन के 10-10 साल कैद की सजा बुधाए छी। जवाबदारन मथा मलीर की 1739 एकड़ जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट जो रोह साबित। सजा मिलियल जवाबदारन में मुख्तियारकार मोहम्मद सालिक नुकरज, तपेदार अब्दुल अजीज, शाहिद रजा शाह, वाहिद बख्श जमान, लाल मोहम्मद और फजल हुसैन शामिल। जवाबदारन के 50-50 लख रुपया दंड की भी सजा। नैब मौजूद जवाबदारन कौमी नाणे के 3 अरब रुपये के नुकसान पहुंचाया। असा भारत से दोस्ती करण की वड़ी कोशिश कई। भारत नजरियाती तौर पाकिस्तान के खिलाफ है जैं सबब असांजी कोशिशन जो नतीजो न निकरी सको। वजीर आजम इमरान खान है तो भारत पाकिस्तान में डफेट पैदा करण आदम इस्तेहकाम लाए अफगानिस्तान के इस्तेमाल कर सके तो। पाकिस्तान की हुकूमत और फौज अफगानिस्तान में तशद्दुद में घटताई आनण अमन के क्याम लाए भरपूर कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में तकरीब के खिताब कदे वजीर आजम तो पाकिस्तान अफगान सरकार और तालिबान विच में गालन लाए सजो जोर लगायो। खिते जो मुस्तकबिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लागापन सहकार और व्यापार में है। कराची में मुतालबन की मनता लाए एहतजाज कदड़ नर्सिस से पुलिस कड़की पई। सीएम हाउस डां मार्च की कोशिश कदड़ नर्सिस से पुलिस अहलकार लठबाजी। पुलिस केतरन ही मेल और फीमेल नर्सिस के गिरफ्तार कर वरतो। सीएम हाउस डां वन का रोकण बाद नर्सिस जो प्रेस क्लब वो एहतजाज। सेक्रेटरी सेहत पारा मुलाजमन के पको कर लिखत में खातरी करण बाद नर्सिस एहतजाज खत्म कर छो।
ईसीसी कणक के इमदादी अघ में 200 रुपया वाद की मंजूरी दे छी। नाणे बाबत वजीर आजम के सलाहकार हफीज शेख की सदारत हेठ इजलास दौरान कणक के अघन सूदों बन मामलों से गौर। ईसीसी तरफा कणक जो इमदादी अघ 1400 मां 1600 रुपया फी मण मुकर कर मंजूरी। सिंध में सुभाणे का 11 दर्जे जा क्लासेस शुरू करण जो फैसलो। डीजी कॉलेजेस सूबे में समूरन कॉलेजेस की इंतजामिया के हिदायतों जारी कर छड़ियों। डीजी कॉलेजेस जो चवण है त 11 दर्जे में दाखिला लाए शागिर्दन शागिर्दियाणन का ऑनलाइन दरख्वास्तू वरती व्यू जै बाद कामयाब उम्मीदवार की फहरिस्त जारी कई। सुभाणे का एस ओ पीस तहत 11 दर्जे जा क्लासेस शुरू कया वन शागिर्दन के दाखिलाओं जो सिलसिलो भी जारी रह। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तरफा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जारी। करमुंग में चूंड जलसे के खिताब दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो हुकुमरानन जी ना अहली सबब सजे मुल्क में अटे जो बोहरान बरपा थी वयो। असा चूंडन लाए नपरा आवाम जे मुस्तकबिल लाए जद्दोजहद करे रहा आहूं। आवाम के पीटीआई हुकूमत जी तबाही का बचाइणो आहे। मौजूदा हुकूमत मुलाजमन के पघारूं डियण बदरां स्टील मिल्स जे हजारे मुलाजमन के बेरोजगार करण लाए इदारे के खानगाह रही आहे। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से गर्जी शहीद जुल्फार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो जो ख्वाब पूरो कंदासी। मौलाना फजल रहमान मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम आरो वायखा थी वया। जनवरी का अग पीडीएम तहरीक की तरावेड़ थी वेंदी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी है तो जलसन में आवाम तरफा शिरकत न करण से ओपोजिशन के इतिहाद में मायूसी की लहर पकड़ी वही है। हाँ तहरीक कमजोर थियण से गड पीडीएम में दार भी भेज रहा है। ओपोजिशन की तहरीक में को भी दम ना है या इमरान खान के छा घर भेड़ो कंदी ओपोजिशन वारा पान ही घर हलिया वेंदा। वफाकी वजीर शिबली फराज चवा है तो कानून के घुर्बल लीडर्स अवाम के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ओपोजिशन सियासी मफादन लाए अवाम के कौमी इदारों खिलाफ भड़काने की गलती कर रही है। कौमी इदारा मुल्की बका सलामती लाए बुनियादी हैसियत रखन था। इमरान खान ओपोजिशन आरो न पेरी झुको और नई हाने जो कंदो। पंजाब के वे वजीर उस्मान बोजदार ओपोजिशन से तनकीद कर पीडीएम दुश्मन की एजेंडा से हली रही है। मुल्की इदारा हर शहरी लाए एहतराम लायक इदार की मजबूती से ही मुल्की इस्तेहकाम से लाड़ियल है। इदार के कमजोर कदड़ धुरियो मुल्क के कमजोर कर साजिश कर रही हैं। इदार मथा बिना जवाब इल्जाम लगाइंदड़ के आवाम कदें भी माफ़ न कद। इंसानी हकन बाबत वफाकी वजीर श्री मजारी चवा है तो पीटीआई हुकूमत जबरी गुमशुदगिन जो मामलो थारे जम्मू के टोड़ो है। मौजूदा हुकूमत जबरी गुमशुदगिन के हवाले से बिल आने रही है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की हुकूमत कदें भी जबरी गुमशुदगिन से ना गालो। बिन्हीं जमातन की दहाकन तीन जारी खामोशी के पीटीआई टोड़े छोड़ो। हाँ भुट्टो और शरीफ जो औलाद जबरी गुमशुदगिन से महफूज तरीके से गाले सके तो। पंजे ट्वीट बयान में श्री मजारी चयो तो मरियम नवाज तरफा जबरी गुमशुदगिन जो मामलो ओचतो दरियाफ्त करण से हैरत थी है। मरियम नवाज अणजाणाई में दहशतगर्दन की तस्वीर की हिमायत कर रही हुई। कराची के नालन तां ईंदड़ साल जून महीने तई कब्जा हटाण और नालन की मुकम्मल सफाई जो फैसलो। हद दखलियों कदड़ धुरन के नोटिस जारी। वे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ पीसीआईसी के इजलास दौरान कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज जीओसी एंड चीफ कोऑर्डिनेटर एनडीएमए सिंध हुकूमत के नुमाइंदन की शिरकत। वफाकी वजीर असद उमर वीडियो लिंक जरिए इजलास में शिरकत कई। इजलास के ब्रीफिंग दौरान जीओसी कराची बुधायो तो कराची में गुजर नाले से 5916 घर 2413 कमर्शियल यूनिट्स कायम थियल। औरंगी नाले से 4480 घर 380 कमर्शियल यूनिट्स कायम थियल। मलीर नदी से 1996 घर कायम किया व्या। इजलास में हद दखलियों हटाने बाद नालन की वेकर और ड्रेक मास्टर प्लान तहत रखने जो फैसलो। वजीर आजम इमरान खान पीटीवी और पार्लियामेंट के हमले वाले केस में बरीयत की दरख्वास्त दे छी। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी टोड़ अदालत में लिखित में दलील भी जमा। वजीर आजम तरफा केस में खेस बरी करार दियण की इस्तदा। दलीलन में चयो वियो आहे त केस जे हिक भी शाहिद वजीर आजम इमरान खान के मुलविस करार ना ॾिनो। इमरान खान के फासाइण लाइ सियासी बुनियाद ते केस दाखिल कयो वियो। पीटीवी ऐं पार्लियामेंट ते हमले वारे केस ते वधीक कानूनी कार्रवाई जी ज़रूरत नाहे। इमरान खान के केस में आजो करार ॾिनो वञे। सिंध हाई कोर्ट बेटन ते कब्ज़े ऐं आइलैंड अथॉरिटी ऑर्डिनेंस खिलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते लिखित में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। वधीक शहरन की दरख्वास्तुन अटॉर्नी जनरल के बयान के केस जो हिस्सों बनाया वो।
अदालत नयन दरख्वास्तों से जवाब देने लाइ अटॉर्नी जनरल एजी सिंध के नोटिस जारी कर छिया। फैसले मूजिब अटॉर्नी जनरल है तो आइन के आर्टिकल 184 तहत वफाक सूबन में तकरार बाबत केस के बुधनी जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के है। सिंध सरकार से सलाह मशवरन बिना को भी तरक्याती कम न किया वो बेटन से कब्जे खिलाफ दरख्वास्तों से बुधनी 13 नवंबर तीन मुलतवी। सिंध में अगवा की वारदातों में बाद शिकारपुर भरसा अगवा जानायल लोडरा वासी नौजवान यासिर मीरपुर माथेलो में बाजियाब की वो संदस चवण है तो शिकारपुर की बाजार में खेस नशो रही अगवा कर मीरपुर माथेलो वेझो फसल में ठयल एक कमरे में कैद किया वो हो जितां वज वठी भजी निकतस। कंदकोट भरसा नवाबशाह वासी वकार अहमद के औरताने आवाज में हिरखाए अगवा करने की कोशिश नाकाम। पुलिस तरफा वक्त सर कार्रवाई कर गोठाने के अगवा थियण का बचाने की दावा। पुलिस चवण है तो नवाबशाह वासी वकार अहमद के जागीरानी के टोले औरताने आवाज से हिरखाए पान वट घुरा हो। सांगड़ में गटर नाले की सफाई दौरान साहब उसारजन सबब म्यूनसिपल मुलाजिम फौत एक मुलाजिम नरेश चमन बेहोश। फौती मुलाजमन में सनी पहलाज शनी बिश्लू शामिल। बेहोश थियल मुलाजिम के अस्पताल मुंतकिल किया वो। फौती मुलाजमन के वारसन जो एहतजाज इंतजामिया गटर नाले की सफाई लाए मुलाजमन के घुर्बल सामान मुहैया न कयो। बिन मुलाजमन के फौत थियण जा जिम्मेवार आला अमलदार हैं। सदन खिलाफ़ कार्रवाई कई वे। सिंध हाईकोर्ट थरपारकर में भारतीय एफएम रेडियो की नशरियात बंद करने लाए दरख्वास्त वफाकी सरकार सूदो बेन धुरन के नोटिस जारी कर छिया। बुधनी दौरान रिमार्क्स दे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है तो पैमरा परडेही चैनल की नशरियात किए तो बंद कर सके। वफाकी सुध समा घरू खातो अड़ा मामला ऐसी सन था। भारतीय एफएम रेडियो से बंदिश लाए वाग्यल इदारा कदम खड़न दरख्वास्त गुजार मौकफ इख्तियार किया है तो थरपारकर में भारतीय रेडियो स्टेशन की नशरियात हली रही है जैसे पाकिस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडा कई वे थी। रेडियो स्टेशन की नशरियात बंद करने हुक्म दिनों वे। रेडियो पाकिस्तान में नेकाली डिनल 750 मुलाजमन लाए दरवाजा बंद। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टाफ बरतरफ मुलाजमन के अंदर वन का रोके छोड़ो। मुलाजमन तरफा रेडियो पाकिस्तान के गेट आड़ो मुजाहरों वफाकी हुकूमत खिलाफ नारेबाजी। मुलाजमन मुतालबो किया है रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमन के फौरी तौर बहाल कर 5 महीनों का बंद थियल पघारू जारी कई वन। मुतालबन की मनता तीन एहतजाजी तहरीक जारी रखने चिता। शिकारपुर की तारीखी सर हेनरी हॉलैंड आई अस्पताल की जमीन से कब्जे वे केस में अहम अकभराई अदालत डॉक्टर्स कॉलोनी की जमीन से अदावती कम का रोके छोड़ो। सीएमटीए ट्रस्ट के अगवान विलियम जॉन की दरख्वास्त से सेशन कोर्ट फैसलो जारी किया। तारीखी अस्पताल की जमीन से कब्जे और अदावती कम शुरू थियण खिलाफ शिकारपुर में मुजाहरा भी किया वा हुआ। फैसगंज में आबपाशी खाते की ऑफिस से एंटी करप्शन खाते की टीम जो छापो अमले में थरथलो। टीम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों को मुआइनो करने बाद अहम रिकॉर्ड तहवील में वही छोड़ो। एंटी करप्शन इख्तियारों का चवण है तो आबपाशी अमलदारों तरफा गोबिन और गैर कानूनी तौर सामान विक्रो कर शिकायतों मिली जै बाद जांच शुरू कई वी है जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रोड हादसों में 3 औरतों सूदो 5 जणा अजल जो शिकार। कराची के इलाके माड़ीपुर में गाड़ी से ट्रक चढ़ी वही 2 औरतों अनीता और सुहरा फौत और 7 औरतों जख्मी की व्यू। मलीर की भैंस कॉलोनी मोड़ वट तेज रफ्तार गाड़ी जो रिक्शा के टक्कर एक औरत फौत। कंबर भरसा कार के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार गुलाम सरवर सोढ़र हयाती विञाए वेठो। दौलतपुर भरसा तेज रफ्तार गाड़ी सेवण वासी पीरसन के चिबाटे मारे छोड़ो। पुलिस गाड़ी के ड्राइवर के गिरफ्तार कर वरतो। मोरो शहर में रश दौरान मोटरसाइकिल पेर से चढ़ी वन रिटायर्ड पुलिस अहलकार तपी वो। नौजवान से सरेआम तशद्दुद फुटेजिस में नौजवान से तशद्दुद ऐसी सकजे तो। मुतासर नौजवान रफीक पठान पारा जवाबदार अफजल उर्फ पप्पू बुगियो खिलाफ कार्रवाई की अपील।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु आउं आहियां ताहिरा वज़ीर। हेडलाइन सां वठी ॾियूं तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।